इस तरह से हम बताएं आपको शिट बैंड करके। आइए, एक ही आदमी इसको 20 गेज की सीट, 20 गेज तक का माल इस पर आप 5 फीट की दूरी पर इजीली मोड़ सकते हैं आप। थोड़ा सा एक सरी का जोड़, ये देखिए ये हैंडल है, ये सीट है, धार दिखाओ। अब देखिए आप इसकी धार यहाँ से वहाँ तक 0-0। 25 कूलर आदमी दिन भर में इस पर बनाता है तो एक कूलर पे हर हालत में 500 रुपये एक कूलर पे मिल जाते हैं। मजदूरी लेबर बेचने वाला तो ज़्यादा में बेचते हैं, 500-600 रुपये एक कूलर पे मिलते हैं। 25 कूलर बनाएगा तो 12-13 हज़ार रुपये एक दिन में आदमी कमा सकता है। पेट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए 2 PM अर्थात पेट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, यदि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं और कूलर फैक्ट्री या शीट फोल्डिंग का काम शुरू करना चाहते हैं और प्रतिदिन के आप 10-20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं अर्थात महीने के लाखों रुपये कमाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ये मशीन खरीद सकते हैं जिस मशीन को शीट फोल्डिंग मशीन कहा जाता है। और ये कूलर मैन्युफैक्चरिंग, पेटी बनाने के लिए, आलमारी बनाने के लिए, तमाम प्रकार के चीज़ों में ये काम आती है। और इस मशीन से आप आसानी से महीने के लाखों रुपये कमा सकते हैं, बस आवश्यकता है आपके आगे बढ़ने। तो इस वीडियो में हम इस मशीन की कितनी कीमत है, कैसे चलाई जाती है, समस्त प्रकार की जानकारी हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सके, बड़े व्यापारी बन सके और एक उद्योगपति बन सके, जिसमें कूलर मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से आप लाखों रुपए छापकर करोड़पति बन सके। तो चलिए बातें ढेर सारी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं WNW एंटरप्राइजेस से अब्दुल वाहिद अंसारी आपकी खिदमत में फिर एक बार एक नया प्रोडक्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए मैं दिखाऊँ आपको शीट फोल्डिंग मशीन, जो कि इस बार स्पेशल मशीन बनाई गई है, 5 फीट हैवी ड्यूटी मशीन। इस पर इस बार 20 गेज जो शीट जो होती है, 20 गेज तक की शीट इस पर आराम से बेंड की जा सकती है। अच्छा, ये बताइए कि ये इसका मेंटेनेंस कैसा है और इसकी प्राइस क्या होने वाली है? मेंटेनेंस इसमें 0 है, मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं है इसमें। कभी कभी 10 साल बाद कभी इस धुरे में कभी धार कभी ख़राब हुई तो उस पर कट लगा के इसको रिवर्क किया जा सकता है, वरना इसमें मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। इसमें बेरिंग लगाए हमने, बेरिंग में आइलिंग वगैरह, ग्रीसिंग वगैरह की जाती है स्लाइटों में, जिस तरह से ये स्लाइट लगी हुई है, इस तरह से अंदर बेरिंग हाउसिंग बनी हुई है, बेरिंग लगे हुए हैं, तो बेरिंग में आइलिंग वगैरह की जाती है इसमें। और किसी भी चीज़ को अगर आइलिंग की जाए तो उसकी सर्विस जो है, ज़िंदगी उसकी बढ़ जाती है। ये 20 साल तो इस मशीन को देखने की ज़रूरत नहीं कि 20 साल में इस मशीन में कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ना कोई टूट फूट होने वाली है, ना कोई चीज़, ना कोई धार खराब होने वाली है, ना बेरिंग की। मैं गारंटी देता हूँ कि 20 साल इसके बेरिंग चलेंगे। हाँ, कीमत की बात करें तो इसकी कीमत कितनी? इसकी कीमत अभी जो है, इसकी कीमत 99,000 रुपये है। 99,000 रुपये हमने इसका नया कीमत निकाला है और हम अभी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने इसको 99,000 में ख़रीदा है, उनसे हम आपकी बात कराएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मशीन की खासियत क्या है, है ना। मशीन में डबल हैंडल है, दोनों तरफ हैंडल है, है ना, और हैंडल जो है फोल्डिंग है, एडजस्टेबल। ये पाइप हटा दिया हमने इसी तरह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक एडजस्टेबल हैंडल है जो कि 1, 2, 3 भाग में बना हुआ है। यहाँ पर इसको जिस तरह से चाहोगे उस तरह से सेट कर लोगे। इस मशीन को जो ऑपरेट करता है कारीगर, वो अपना हाथ जहाँ चाहे वहाँ इसको रख सकता है, है ना। इस मशीन में बड़ा गला है ना। यहाँ पर बेरिंग लगे हुए हैं इस मशीन में, एडजस्टेबल मशीन है और बेरिंग इसमें काम करते हैं। 20 साल की गारंटी देता हूँ बेरिंग की, अगर ख़राब हो जाए तो मैं बेरिंग वापस दूँगा। उसके बाद में इस मशीन में शाकअप लगे हैं, जिसको कहते हैं शाकअप। इस तरह से शाकअप लगाए हमने, एडजस्टेबल शाकअप है, बोल्ट एडजस्टेबल है, इसको कम ज़्यादा अल्टर कर सकते हो। इस शाकअप का इसलिए लगाए हैं, इसका लगाने का रीज़न ये है कि जैसे कि ये मशीन का हैंडल है, हमने इस मशीन को यूँ उठाया, ये मशीन इतना खुला, उसके बाद में अगर हम इस शाकअप को छोड़ देंगे तो वहीं रुकेगा, यहीं रुकेगा, यहीं रुकेगा, एकदम से नीचे नहीं आएगा। शाकअप लगाने की वजह यह है, इसमें एक नया फंक्शन है जो फ़िलहाल हिंदुस्तान के अंदर मैंने ही किया है इसको, और कोई इसका भी जोड़ नहीं इस मशीन का। इस तरह से फुल कंप्लीट मशीन है, किसी को भी ले आके इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ से ले जाओ और अपना काम शुरू करें। कितने लोग इस मशीन को चला सकते? एक आदमी, सिंगल आदमी इस मशीन को चला सकता है, जिस तरह से हम बताएं आपको शीट बेंड करके। आइए, एक ही आदमी इसको 20 गेज की सीट, 20 गेज तक का माल इस पर आप 5 फीट की दूरी पर इजीली मोड़ सकते हैं आप। थोड़ा सा एक सरी का जोड़,
ये देखिए हैंडल है, ये सीट है, धार दिखाओ। अब देखिए आप इसकी धार यहाँ से वहाँ तक 0-0। 20 गेज का माल आप इस तरह से इसमें मोड़ सकते हैं। एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो चलाओ, डबल धार मोड़ना। हाँ डबल धार चौरस बनाते हैं ना, वो मोड़ना उसको पता गलत है। देखिए रुकना सर, हाँ धार दिखाओ, ये देखिए इस तरह से पूरी यहाँ से वहाँ तक 0-0-0 एक सरी की धार है, पूरी आपको 0-0 मिल जाएगी यहाँ से। एक दिन भर में आदमी कितनी शीट फोल्ड कर सकता है? ये तो आदमी जिसके पास कितना काम है, आज पर 5-10 कूलर 20 कूलर बन सकते हैं एक बार में, अगर ढंग से आदमी करो 25 कूलर रोज बना सकता है आदमी इसके ऊपर। इसके ऊपर हाँ 25 कूलर डेली बन सकते हैं इसमें, हर तरह के इस पर कूलर बन जाएंगे। 5 फीट तक का आप इजी माल मोड़ो इस पर। इसके अंदर हमने जो उसका धुरा दिया है ये 90 mm का धुरा है, ये 9 का बना हुआ है। इसमें जो ब्लेड है इसकी छुरी है ये 9 की है, ये 12 mm की है। इस तरह से वो पाटली जो है 40 mm की है, इसके पक्के जो है 16 mm के हैं। इसी तरह से दोनों तरफ डबल हैंडल है और पूरी MS बॉडी में मशीन है। अच्छा इस आदमी से आदमी व्यक्ति कितना रुपए कमा सकता है, अगर बात करें आदमी भाई 25 करता है कितने रुपए कमा सकता है? 25 कूलर आदमी दिन भर में इस पर बनाता है तो एक कूलर पे हर हालत में 500 रुपये एक कूलर पे मिल जाते हैं। मजदूरी लेबर बेचने वाला तो ज़्यादा में बेचते हैं, 500-600 रुपये एक कूलर पे मिलते हैं। 25 कूलर बनाएगा तो 12-13 हज़ार रुपये एक दिन में आदमी कमा सकता है इसके ऊपर, आराम से कमा सकता है, आराम से 12-15 हज़ार रुपये इसका उसमें काम कर सकता है आदमी। एक मशीन की डिलीवरी ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ की जा सकती है? ये ऑल इंडिया क्या, मैं तो हिंदुस्तान के बाहर भी, हम तो तंजानिया जैसी जगह साउथ अफ्रीका से हमारे पास ऑफर है, मशीन की डिमांड है, बांग्लादेश से है, केनिया से है और भी भूटान, हमारे हिंदुस्तान में तो पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास इसकी डिमांड है। हम पूरे हिंदुस्तान से डिमांड पूरी करते हैं। कोई अगर बाहर से मशीन मंगवाता, बाहर से कोई मंगाता है तो आजकल ऑनलाइन सब काम होता है, बैंकिंग ऑनलाइन, कोई हमारे पास पार्टी आए ना आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर पार्टी नहीं आती है हमारी मशीन देखे, हम गारंटी से पार्टी के एड्रेस तक मशीन पहुँचाते हैं, हाँ बराबर पहुँचाते हैं। पहले जमा होता है बिल्कुल 50% अमाउंट हम पहले लेते हैं पार्टी से, जितने की भी मशीन होती है उसका 50% एडवांस लेते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ से डिलीवरी देते हैं तो ट्रांसपोर्ट पे डालने से पहले हम पार्टी से पेमेंट लेते हैं और ट्रांसपोर्ट पे उनका माल उनको घर तक पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं। हाँ ठीक है, ये मशीन किसने लिए उनसे रूबरू? हाँ मैं अभी आपको मिलवाता हूँ। जी भी आपका परिचय दीजिए सबसे पहले। जी मैं गैलेक्सी इंटरप्राइजेस से आया हूँ और मैं अंसारी साहब के वहाँ आया हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी मशीनें हैं जिनके यहाँ की ये मशीनें हमारे वहाँ चल रही हैं। मेरा कूलर का मैन्युफैक्चरिंग है तो ये मैंने मशीन देखा था इनकी यूट्यूब पर, तो ये गुजरात से अच्छी और गुजरात से सस्ती मशीनें हैं। अच्छा आप गुजरात से मशीनें चला रहे हो और यहाँ की मशीन चला रहे हो, दोनों में अंतर क्या है? जी यहाँ की मशीन सस्ती भी है और गुजरात से अच्छी भी है। अच्छी भी है। जी अच्छा बताइए आपका कूलर का कारखाना है तो एक दिन में आदमी कितना पैसा कमा सकता है? जी एक दिन में आदमी 10-12 हज़ार रुपये डेली कमा सकता है, आसानी से कमा सकता है। आसानी से। अच्छा आप लोग कमा रहे हैं मतलब इसका? जी जी। अच्छा इस मशीन की क्या खासियत आपको अच्छी लगी? इस मशीन में क्या है, इस मशीन में यहाँ अंसारी जी ने यहाँ पे थोड़ी सी डीप ज़्यादा दे रखी है, गुजरात में इतनी डीप नहीं आती है और इसमें क्या है निकालने में काफ़ी आसानी होती है। कूलर जब मुड़ते हैं इस पर तो यहाँ से निकालने में काफ़ी आसानी होती है, गुजरात जो कि गुजरात की मशीन में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जी। और प्लस फिर क्या है ये बेयरिंग पर चलती है, हैंडल इसका एडजस्टेबल आता है, गुजरात में ऐसा नहीं रहे। नहीं रहता है। जी आपको मशीन अच्छी लगी? जी काफ़ी अच्छी लगी। चलिए हमसे जुड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। ये ऑपरेटर है मशीन के, ये मशीन चलाते हैं। जी मशीन आप चलाते हो? जी हाँ। मशीन को ऑपरेट करते हैं तो इस मशीन की क्या अच्छी चीज़ लगती है आपको? मैं इस पर चलाता हूँ तो गुजरात से अच्छी चलती है, मतलब फ्री चलती है और कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। गुजरात में तो की जो मशीन है उसमें तो बहुत थकान महसूस होती है मेरे को। जिस तरह से मैं गुजरात की मशीन पर कूलर दबाता हूँ, 25 कूलर दबाता हूँ, उसमें मैं 50 दबा लेता हूँ फिर भी मेरे को थकान महसूस नहीं होती है। नहीं होती है। जी आपका नाम बताइए। मोहम्मद खानवी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े।
जी बताइए क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं आप भाई। जैसे कि अभी आपने हमारे कस्टमर से बात की, उन्होंने को ये मशीन किस हिसाब से लगी, मशीन में जो खासियत थी वो हमने उनको बताई, आपको बताई। गुजरात की जो मशीन है वो बीड़ के बुश पे चलती है, हमारी मशीन बेरिंग पे चलती है, हमारी मशीन में कैपेसिटी बहुत है माल निकालने की, है ना, बहुत कुछ इसमें फैसिलिटी है, हैं। तो इस हिसाब से यहाँ के लोग मशीन पसंद कर रहे हैं और पूरे इंदौर, इंदौर के आसपास, हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, पूरे हिंदुस्तान में हमारी मशीनें जा रही हैं इस वक्त। तो इसके अलावा भी हम जैसे कि हम आपको दिखाएं कि और प्रोडक्ट हमारे क्या 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 है। अच्छा एक सवाल और है, इस मशीन में सबसे लोएस्ट प्राइस की कौन सी मशीन बनाते हैं? इसमें अभी फिलहाल 4 फीट की मशीन है जो 70,000 रुपये की है प्लस GST। चार फीट से शुरू करते हैं तो हमारी मशीन जो है 10 फीट तक के जाती है, है ना। 10 फीट की जो मशीन हमारी है वो 2,40,000 रुपये की है आज का जो लेटेस्ट इसका प्राइस है। 8 फीट की जो मशीन है वो हमारी 1,60,000 रुपये की है 8 फीट की। 7 फीट की जो मशीन हमारी 1,15,000 रुपये की अभी का रेट है। पिछला हमने 1,05,000 रुपये दिया था साल भर पहले, अभी फिलहाल वो मशीन की क्वालिटी हमने और अच्छी कर दी है। उसके अलावा हमने बहुत कुछ उसमें चेंजेस किया है और अभी उसका जो प्राइस है वो 1,15,000 रुपये है। हाँ ये जैसे कि आपको पिछली बार भी हमने दिखाया था कि हमारे पास चना प्रेशिंग मशीन है, मॉडल नंबर 2 है। हाँ फिर हमारे पास मॉडल नंबर 3 चना प्रेशिंग मशीन मॉडल नंबर 1 जो है, 1 से शुरू होता है तो 58,500 रुपये से प्लस GST, 58,500 रुपये का प्राइस है प्लस GST, 58,500 रुपीस प्लस GST। हाँ है ना, ट्रांसपोर्टिंग और GST अलग होता है। उसके अलावा मॉडल नंबर 2 है जो 68,500 रुपीस प्लस GST ट्रांसपोर्टिंग। मॉडल नंबर थ्री मशीन मैं अभी इसका आपको पूरा उसको घुमा के दिखाऊंगा। मॉडल नंबर थ्री जो है 98,500 रुपीज़, 98,500 रुपये है प्लस GST और ट्रांसपोर्टिंग। हाँ इस तरह से ये आइए मैं ड्रायर दिखाता हूँ आपको। ये ड्रायर नमकीन को इसमें डालते हैं, है ना। कितना का है ये? हाँ ये ड्रायर आपको मिलेगा अभी फिलहाल हमारे पास 45,000 रुपये का भी है और हर रेंज में ड्रायर है। ये 45,000 रुपये का हैवी ड्यूटी है, इसकी कैपेसिटी जो है 20 किलो की है। जी आप 2PM इंडिया से जुड़े इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है मशीनें देखें, मशीनें समझें, हमसे हमारा नंबर यूट्यूब पर हमने दे रखा है इसी चैनल पर, है ना, आप उससे हमें कॉन्टेक्ट करें, बात करें और वहाँ से आना चाहें तो आ भी जाएँ, यहाँ मशीनें देखें भी। नहीं भी आना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक तमाम मशीनें हमारी पहुँचा रहे हैं, उसको देखें, हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारे नंबर आप तक पहुँचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।